Assalamu alaikum students, welcome to ISF Academy and I am your subject instructor Zainul Abidin. So in the last lecture हम बात कर रहे थे, हमने start किया हुआ था chapter number 1, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो introduction of biology हम ये बात कर रहे थे और उसमें मैंने कहा था कि जो biology है ये दो ग्रीक वर्ड से जो है मिलकर बनी हुई है, एक को हमने कहा बायोस और दूसरे को कहा लोगस। बायोस हमने कहा कि इसका मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब है थॉट या रीजनिंग। फिर मैंने आपको बताया कि जो बायोलॉजी है इसकी तीन मेजर डिविजन्स हैं, जिनमें आपने बात की थी जूलॉजी की, बॉटनी की और माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें हमने कहा था कि स्टडी ऑफ प्लांट्स को आप बोलेंगे बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल्स को आप बोलेंगे जूलॉजी और स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इसको आप बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी। फिर हमने कहा था कि जो माइक्रोबायोलॉजी है ये आगे मुख्तलिफ अकसाम है इसकी या मुख्तलिफ इसकी डिविजन्स जो है या ब्रांचेस आप कहते हो हैं, जैसे हमने हिस्टोलॉजी को पढ़ा कि ये स्टडी है टिश्यूज की, पैरासाइटोलॉजी मैंने आपको बताया कि ये पैरासाइट्स की स्टडी है, एंटोमोलॉजी है ये इंसेक्ट्स की स्टडी है, इसी तरीके से आपने सोशियोबायोलॉजी की बात की और इसके अलावा आपने माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स की स्टडीज हैं उनकी आपने बात की। तो आज की क्लास के अंदर जो है जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद साइंसेस, कि जो बायोलॉजी है उसका बाकी साइंसेस के साथ जो रिलेशनशिप है या जो ताल्लुक है वो क्या है। अब बाकी साइंसेस कौन सी हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या बायोकेमिस्ट्री है। बायोलॉजी इटसेल्फ भी एक साइंस है और हमने इस साइंस का रिलेशनशिप देखना है कि बाकी साइंसेस के साथ क्या क्या है या वो कौन कौन सी साइंसेस हैं कि जिनके साथ इसका रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप को आप क्या बोलते हैं, जब आप बायोलॉजी के रिलेशनशिप को बाकी साइंसेस के साथ स्टडी करते हैं तो इसको आप बोलते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस, कि एक डिसिप्लिन बायोलॉजी जब बाकी डिसिप्लिन्स के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उस इंटरेक्शन को आप क्या बोलते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। इस फिगर के अंदर मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से जो बायोलॉजी है वो बाकी साइंसेस जो है उनके साथ रिलेट कर रही है। जैसा कि डायग्राम के अंदर या फिगर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि दरमियान में लिखा हुआ है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का रिलेशनशिप केमिस्ट्री के साथ भी है, बायोकेमिस्ट्री के साथ भी है, इधर आप देखें बायोलॉजी का ताल्लुक इकोनॉमिक्स के साथ है, बायोटेक्नोलॉजी के साथ भी है, इसी तरीके से बायोलॉजी बायोमेट्रिक बायोफिजिक्स की तरफ इसका रिलेशनशिप है और ज्योग्राफी और बायो जो ज्योग्राफी है उसके साथ भी इसका ताल्लुक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखते हैं तो जो आपकी बायोलॉजी है अगर आप इसके रिलेशनशिप की बात करते हैं केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री के साथ, तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपके जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे होते हैं उसके लिए बायो का केमिस्ट्री के साथ मिलना जो है वो जरूरी है, कि विदाउट नोइंग द बायोलॉजी जो है आप उस केमिकल रिएक्शंस को स्टडी जो है वो नहीं कर पाते। इसी तरीके से जो है बायोलॉजी का जो ताल्लुक है इकोनॉमिक्स के साथ या बायोटेक्नोलॉजी के साथ इस तरीके से है कि जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं उनकी जिंदगी को पढ़ते हैं वो बायोलॉजी है, तो विदाउट स्टडिंग द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको जो कैसे पता चलेगा कि
के बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किस किस्म की टेक्निक्स और किस किस्म की जो एप्लीकेशन है वो आपने अप्लाई करनी है। तो न्यू टेक्निक्स न्यू एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के लिए जो चीज आप स्टडी करते हैं वो बायोटेक है, जिसका रिलेशनशिप बायोलॉजी के साथ है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं ज्योग्राफी की, बायोज्योग्राफी की, या आप बात करते हैं बायोमेट्री या फिर बायोफिजिक्स की, इसके अंदर भी बेसिकली अपना जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उसको आप स्टडी करते हैं। पूरी दुनिया का जो आपका ज्योग्राफियाई सिस्टम है उसकी स्टडी आप विद द हेल्प ऑफ जो बायोलॉजी है वो आप क्यों वो आप करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी आपको एक किस्म की सोच रीजनिंग या जो थॉट है वो प्रोवाइड करती है। और फिजिक्स या बायोफिजिक्स के अंदर मैंने आपको बताया कि आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है आप उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी आप बायोलॉजी है इट इज इंटरलिंक्ड नॉट ओनली विद केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री बल्कि इसका लिंक इकोनॉमिक्स के साथ, बायोटेक्नोलॉजी के साथ, बायोफिजिक्स और ज्योग्राफी के साथ है। ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये इंटरलिंक ये करती है। अब आप इन जो है डिसिप्लिन्स को एक एक लाइन के अंदर पढ़ लेते हैं, इनका मतलब क्या है ज्योग्राफी का या फिजिक्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें इधर लिखा हुआ है बायोफिजिक्स। जो बायोफिजिक्स है इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स के किन उसूलों या किन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करकर आप फिजिक्स को पढ़ते हैं, इसकी स्टडी को आप क्या बोलते हैं बायोफिजिक्स। ये भी एक साइंस है जो इंटरलिंक्ड है बायोलॉजी के साथ। इसके बाद आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। मैंने आपको बताया कि जब आप केमिकल कंपाउंड्स को पढ़ते हैं और वो केमिकल रिएक्शन किस तरीके से आपके जिस्म के अंदर होते हैं तो उसकी स्टडी को आप क्या बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद आ जाती है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। ये क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस अंडर मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। बेसिकली बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री में पढ़ते आप बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को ही हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस किस तरीके से टेक प्लेस करता है, लेकिन उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स इक्वेशंस या टूल्स को डिजाइन करते हैं जो आपको बताते हैं कि ये प्रोसेस किस लेवल तक जा रहे हो रहा है। इसके बाद आ जाती है बायोज्योग्राफी। इट डील्स विद अक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जानदार हैं, वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उनकी अक्यूरेंस है और पूरी दुनिया के अंदर वो कहाँ कहाँ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बाद जो लास्ट रिलेशनशिप आ जाता है इसका बायोलॉजी का वो है बायो इकोनॉमिक्स के साथ। और बायो इकोनॉमिक्स के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमी को जेहन में रखते हुए इकोनॉमिकल जो पॉइंट है उसको व्यू में रखते हुए आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि रिलेशनशिप बायोलॉजी का बाकी डिसिप्लिन के साथ क्या है, ज्योग्राफी बायो ज्योग्राफी बायोमेट्री या बायो इन्फॉर्मेटिक्स या मैथमेटिक्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसके अंदर हम टॉपिक नंबर 1.1.3 को डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल IASM Academy को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।